दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपना वीडियो खुद से एडिट करना चाहते हैं और एक अच्छा खासा यूट्यूबर बनने के लिए या वीडियो एडिटर बनने के लिए आपको वीडियो एडिटिंग अच्छी तरीके से आनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको काइन मास्टर मोबाइल एप्लीकेशन में वीडियो एडिट करना सिखाएंगे। तो चलिए हम आपको इसमें वीडियो एडिट करना सिखाते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना होगा, आपको थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना होगा। अगर आप स्किप करते हैं तो आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों क्या है प्रोसेस, कैसे करेंगे आप अपना काइन मास्टर से वीडियो एडिटिंग बताएंगे, सब कुछ आपको इस वीडियो में। उससे पहले दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा ही वीडियो आपको रोज देखने को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। काइन मास्टर वीडियो एडिटर को यूज करने के लिए आप अपने प्ले स्टोर में जाएंगे और वहां टाइप करेंगे आप काइन मास्टर। हालांकि काइन मास्टर मेरे फ़ोन में पहले से इंस्टॉल्ड है तो यहां ओपन लिख रहा है और आपके में नहीं है तो आप यहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप इंस्टॉल करके देखिए मेरा इंस्टॉल है और मैं इंस्टॉल कर लिया हूं इसको। उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे। दोस्तों काइन मास्टर एप्लीकेशन को अच्छे से आपको अगर सीखना है इस पर वीडियो एडिटिंग करना तो मैं आपसे एक बात रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ काइन मास्टर के बारे में बताएंगे वीडियो एडिट करके। तो आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए, अगर स्किप कीजिएगा तो हो सकता है कि आप अच्छे से काइन मास्टर नहीं सीख पाएं। काइन मास्टर आप जैसे ही ओपन कीजिएगा तो इसका होम पेज कुछ इस टाइप का आ जाएगा। कोई भी वीडियो को एडिट करने के लिए आप इस प्लस आइकन पे क्लिक कर दीजिए। प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद ये आपका कुछ वीडियो का रेशियो पूछेगा। आप जो भी रेशियो में वीडियो एडिट करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि 16:9 रेशियो जो है वो यूट्यूब पे ज़्यादा आप वीडियो देखते हैं तो 16:9 वाला ही अधिकतर कोई भी मूवी या सॉन्ग होते हैं, तो हम इस पे क्लिक कर देते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद ये कुछ इस टाइप का आपका इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आप दोस्तों ये सब जो सेटिंग है इसको मैं बाद में बताऊंगा, और ये वाला एक ऑप्शन है मीडिया और उसके नीचे कुछ रेड कलर का आइकन है, तो मीडिया वाले ऑप्शन पे दोस्तों आप वीडियो या म्यूजिक कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और ये जो रेड वाला आइकन है अगर आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आप कैमरा कर सकते हैं और कैम रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैमरा ओपन कीजिएगा तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, आप कैमरा रिकॉर्ड करके उसके बाद इसको एडिट कर सकते हैं। तो हम बैक चलते हैं और ये मीडिया पे क्लिक करते हैं। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में जो भी वीडियो या फोटो है ये वो यहाँ पे शो हो जाएगा। आप यहाँ से बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हैं, आपको जो भी बैकग्राउंड चाहिए तो आप इसको ऐड करके, मान लीजिए हमको ये वाला चाहिए तो ये वाला मैं सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैं इस पर कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि लेयर में जाएंगे तो हम फोटो या वीडियो ऐड कर सकते हैं, इफेक्ट डाल सकते हैं, ओवरले डाल सकते हैं, टेक्स्ट डाल सकते हैं और अपने हाथ से इस पे कुछ लिख सकते हैं, और ऑडियो यहाँ से चूज कर सकते हैं। वॉइस भी आप डाल सकते हैं, वॉइस पे क्लिक कीजिएगा तो अलाउ करके आप जो भी बोलिएगा ये स्टार्ट पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मीडिया की दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में। तो अब हमको कोई अगर वीडियो एडिट करना है तो हम यहाँ से कोई भी वीडियो एक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ से 2 वीडियो ऐड कर लिया हूँ, आप इसको देख सकते हैं ये कितना अच्छा से चल रहा है। ये जो वीडियो है एकदम HD क्वालिटी में आप देख रहे हैं और ये चल रहा है। अब हम चलते हैं, अगर इस पर आपको कुछ फोटो या लोगो ऐड करना है तो आप इस लेयर पे क्लिक कर दीजिए। लेयर पे क्लिक करने के बाद आप मीडिया पे क्लिक कर दीजिए। मीडिया पे क्लिक करने के बाद हम कुछ भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो अगर हमको लोगो ऐड करना है तो मैं अपना लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको फुल कर देता हूँ। जहाँ तक वीडियो है वो वहाँ तक आ गया, और इसको हम यहाँ से साइड छोटा बड़ा कर सकते हैं। छोटा बड़ा करके आप जहाँ भी इसको रखना चाहें आप आसानी से रख सकते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे से हमारा लोगो जो है वो ऐड हो गया है। और उसके बाद अगर आप यहाँ से कुछ इफेक्ट डालना चाहते हैं तो आप इफेक्ट पर क्लिक करेंगे। इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद इसका जो कुछ बेसिक इफेक्ट है वो ऐड कर सकते हैं जो कि काइन मास्टर में ऑलरेडी होता है। और उसके बाद
आप अगर अलग से कुछ लेना चाहते हैं तो ये गेट मोड पर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। तो हम बेसिक इफेक्ट पर क्लिक करके हम एक इफेक्ट यहाँ पे डालते हैं। इफेक्ट डालने के बाद देखिए दोस्तों, जो हमारा वीडियो है वो कुछ ब्लर टाइप का आ गया है। आप देख सकते हैं जहाँ सेलेक्ट मैं करूँगा, जिस पोर्शन को मैं सेलेक्ट करूँगा वो पोर्शन मेरा जो है कुछ ब्लर हो जाएगा। अगर पूरा करूँगा तो पूरा ब्लर हो गया। तो मैं इसको कुछ इतना ही ऐड कर रहा हूँ और ये यहाँ से मेरा इफ़ेक्ट जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से ऐड हो गया है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे कुछ ओवरले ऐड करना चाहते हैं, ओवरले आप यहाँ से इसमें नहीं है तो आप गेट मोर पे क्लिक कीजिएगा। अभी मेरा नेट जो है उसका स्पीड थोड़ा स्लो है तो यहाँ से नहीं शो हो पा रहा है। आपका स्पीड अच्छा होगा तो शो हो जाएगा और आप ऐड कर सकते हैं बिल्कुल आसानी तरीके से। उसके बाद हम इसमें कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो टेक्स्ट पे क्लिक करके हम जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे लिखा जाएगा और आप ऐड कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं अपना चैनल का नाम यहाँ ऐड करता हूँ और ओके पे क्लिक करके हम इसका कुछ अगर कलर लेना चाहते हैं, इसको पहले जहाँ हम सेट करना चाहते हैं उसको सेट कर सकते हैं। और इसका जो कलर है इस पर क्लिक करके, और ये कलर का आइकन है इस पर क्लिक करके हम जो भी कलर लेना चाहते हैं वो आ जाएगा। तो जैसा कि मैं येलो पे क्लिक किया, उसके बाद इसको डन करके देखिए जो मेरा कलर है चेंज हो गया है। और उसके बाद मैं इस पर टिक कर देता हूँ। आप टेक्स्ट को जितना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं वीडियो को लास्ट तक यहाँ टेक्स्ट को जो है ऐड कर दे रहा हूँ और स्टार्टिंग से लास्ट तक मैं ऐड कर दिया। उसके बाद हम कुछ अगर हाथ से हैंड राइटिंग करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके और इस पर पेन पे क्लिक करके और जो भी यहाँ पे लिखेंगे वो आ जाएगा। तो मैं आप जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। तो हमको और यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं, एडिट पे क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो हमको ये नहीं चाहिए तो इस पर हैंड राइटिंग को मैं यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट पे क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। और उसके बाद हम बात करते हैं इसके ऑडियो को। तो यहाँ से अगर हम कोई भी ऑडियो ऐड करना चाहते हैं तो ऑडियो पे क्लिक करेंगे और आप में जो भी सॉन्ग होगा आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो मैं ये बिल्कुल सोचा ना था ऐड कर लिया हूँ, ऐड पे क्लिक करके ऐड कर लिया और ये जो मेरा गाना है ऐड हो गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये ऐड हो गया है। इसका अगर साउंड आपको अप डाउन करना है तो आप इस पे क्लिक करके ये वॉल्यूम के स्पीकर पे क्लिक करके आप यहाँ से साउंड को अप डाउन कर सकते हैं। और इसका पिच आप लेफ्ट राइट करके आप इसको कम बेस कर सकते हैं जिससे आवाज पतला और मोटा हो जाएगा। और दोस्तों ये जो मेरा वीडियो है वो दो है, तो ये जो वीडियो है वो मेरा चल रहा है और इसमें ये जो फर्स्ट वाला वीडियो है उसके बाद सेकेंड वाला है तो एक डायरेक्टली आ जाएगा, इसमें कुछ इफेक्ट्स नहीं आएंगे। अगर आपको इफेक्ट ऐड करना है वीडियो पे क्लिक करके और इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका इफेक्ट जो है वो आ जाएगा। तो आप जो भी इफेक्ट डालना चाहते हैं, जैसा कि मैं ये वाला कर लिया हूँ तो देखिए मेरा कैसे हो गया। और इसको हम करना चाहते हैं तो कुछ इस टाइप का इफेक्ट आ जाएगा, इसके बाद ये वाला कुछ आ जाएगा। इससे वीडियो का जो क्वालिटी है वो अच्छा आता है। तो हमको अगर जूम इन जूम आउट का करना है तो क्लासिक के ट्रांजिशन में जाएंगे और जूम आउट पे क्लिक करके ये देखिए जो इफेक्ट है कितने अच्छे तरीकों से ये इफेक्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये इफेक्ट यहाँ पे आ गया हुआ है। और दोस्तों ये सब तो हो गया। और बहुत सारे आप वीडियो में देखे होंगे कि ये जो नीचे टेक्स्ट डलता है ये जो है वो चलता रहता है, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट चलता रहता है। तो इसको अगर आपको लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट ले जाना है तो आप यहाँ से इसको भी ऐड कर सकते हैं। तो हमको जैसा कि लेफ्ट टू राइट ले जाना है, उसके लिए दोस्तों आप इस टेक्स्ट को जो है थोड़ा सा इधर कर देंगे और इस पे जो आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो की का ऑप्शन है, आप की पे क्लिक करके आप थोड़ा सा आगे बढ़ा के यहाँ पे प्लस का आइकन है आप प्लस पे कर दीजिए, फिर आगे बढ़ाइए और इसको आगे ले जाइए, फिर आप प्लस पे टिक कर दीजिए, फिर आप इसको आगे बढ़ाइए, फिर यहाँ ले जाइए और फिर आप आगे बढ़ा के प्लस पे कीजिए। ऐसे आप पूरे वीडियो में कर दीजिए, आपका जो है यहाँ पे इफेक्ट निकल के आ जाएगा। तो आप यहाँ पे जो है लाइव में आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे इफेक्ट निकल के आएगा। अब मैं दोस्तों वीडियो को प्ले कर रहा हूँ, आप देखेंगे कि जो टेक्स्ट है वो कैसे चलेगा। देख लीजिए दोस्तों जो मेरा टेक्स्ट है वो कितने अच्छे से चल रहा है, आप यहां से देख सकते हैं। हालांकि थोड़ा रुक रुक के चल रहा है, मैं वहां पे थोड़ा जो स्पेस है ज़्यादा ले लिया हूं। अगर आप स्पेस नहीं लेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे तरीक़ों से चलेगा। आप देख सकते हैं कैसे ये मेरा जो है जिस तरह मैंने ऐड किया था उस तरह से ये मेरा जो टेक्स्ट है वो चल रहा है। और अगर इसके ऊपर आपको कुछ
और वीडियो ऐड करना है तो आप यहां से लेयर पे क्लिक करके आप मीडिया पे क्लिक कीजिएगा तो आप यहां से जो भी वीडियो ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो मैं ये वाला वीडियो ले लिया हूं और इसको यहां पे ऐड कर दिया हूं, तो वो वाला वीडियो जो है छुप गया है मेरा, और इसका जो साउंड है वो मैं डाउन कर देता हूं ताकि आपको मेरी वॉइस सुनाई दे। उसके बाद ये वाला वीडियो मेरा चलेगा। और इसका हम दोस्तों अगर चाहते हैं कि नीचे वाला भी दिखाई दे और ऊपर वाला भी, तो इसका जो है कुछ ओपेसिटी हम कम कर दे रहे हैं, तो ओपेसिटी कम करेंगे तो देखिए ये कितने अच्छे से जो हमारा वीडियो है वो शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियो में कुछ गैर जरूरी पार्ट्स होता है जिसको हमको काटना होता है और उसके बाद हमारा वीडियो जो हो प्ले होता है। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ काटना है तो आप इस वीडियो को सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे एक कैंची का एरो है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो ये आपको जिस भी साइड से काटना है आप इसको कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हमको लेफ़्ट से काटना है तो लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा लेफ़्ट वाला पार्ट जो है कट जाएगा। उसी तरह अगर हमको राइट साइड का करना है तो आगे करके और जितना हमको चाहिए उतना करके और ये राइट साइड पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा इतना वीडियो जो है ट्रिम हो गया है। तो ये तो दोस्तों आपने सीख लिया। और बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा जो पहला वीडियो होता है वो कुछ जूम होता है, उसके बाद वीडियो जो है प्ले होता है, तो वो आप कैसे करेंगे? तो अगर इसको आपको करना है तो आप इस वीडियो को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ये जो सेकंड नंबर पे ऑप्शन है आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने फ़ोन को दोनों हाथ से जूम इन कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप देख लीजिए चलेगा तो जूम इन और जूम आउट जो है वो चलेगा। थोड़ा पहले जूम हो गया और उसके बाद ये धीरे धीरे जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है, जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हैं। तो इस टाइप से आप कुछ जूम इन जूम आउट अपने वीडियो में कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा स्पीड। अगर इस वीडियो को हमको स्पीड करना है तो हम इसको जितना हमको स्पीड करना है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो इस वीडियो को हमको पूरा अगर स्पीड करना है तो इस वीडियो पर क्लिक करके और यहाँ एक ऑप्शन है स्पीड का, स्पीड पे हम क्लिक करके और जितना हम स्पीड बढ़ाना चाहें यहाँ से आप कर सकते हैं। और ओके करके मैं वीडियो चलाता हूँ तो देखिए थोड़ा स्पीड में जो है वीडियो चल रहा है। साथ ही यहाँ ऑप्शन आपको मिल जाएगा म्यूट ऑडियो का। तो अगर आपको इस वीडियो का ऑडियो म्यूट करना है, आप चाहते हैं कि आपको केवल वीडियो से हो ऑडियो नहीं सुनाई दे, तो आप म्यूट ऑडियो को इनेबल एक्टिव कर दीजिएगा। और आप पिच भी इस पे रख सकते हैं, तो मैं इस पे नहीं रख रहा हूँ, अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हैं। हम यहाँ पे ऑन डू करके सारा जो है हम क्लियर कर देते हैं कि जो मेरा पहला वीडियो था उस टाइप से हो जाए। उसके बाद एक ऑप्शन आता है यहाँ पे रिवर्स का, तो हम रिवर्स पे क्लिक करेंगे तो आपका रिवर्स का प्रोसेसिंग है वो ऑन हो जाएगा। और आप वीडियो को रिवर्स करना चाहते हैं तो आपका जो वीडियो है वो इस प्रकार कुछ रिवर्स हो जाएगा। तो हम इसको अनडू कर देते हैं और हमारा वीडियो पहले की तरह हो गया। उसके बाद हमारा ऑप्शन है रोटेट और मिररिंग, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप अपने वीडियो को रोटेट कर सकते हैं जिस एंगल में आप चाहें रोटेट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट या राइट टू लेफ्ट या अप टू डाउन, डाउन टू अप, और उसके बाद ये रोटेट कर सकते हैं आपका जो वीडियो है वो आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। तो हम इसको अनडू कर देते हैं। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है कलर फिल्टर का, कलर फिल्टर पे क्लिक करके जो भी इफेक्ट आप यहाँ से डालना चाहें तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं वीडियो का जो है इफेक्ट हमारा कुछ निकल के इस प्रकार आ रहा है। आप जिस भी इफेक्ट को चूज करना चाहते हैं, आपको जो भी पसंद हो आप यहाँ से इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको अनडू कर देते हैं। उसके बाद आता है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप अपना ब्राइटनेस, कॉन्ट्रेस्ट या शार्पनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए हम मैं कुछ कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको इफेक्ट निकल के नज़र आ रहा है कितने क्लियर तरीके से, और यहाँ से इसका जो है कुछ कंट्रेस्ट है और यहाँ से आपका शार्पनेस मिल जाएगा। तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। तो हम इसको अनडू कर दे रहे हैं। उसके बाद जो हमारा है वो आता है इक्यू का, तो आप इक्यू पे क्लिक करेंगे तो आप ये सब इनेबल करके आप जो देख सकते हैं कितना क्लियर ये शो हो रहा है और इसमें इक्यू इनेबल्ड हो गया है। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है वॉल्यूम इनवलूप का, उस पर क्लिक करके हम अपना वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हैं। अब बहुत सारे वीडियो में देखे होंगे साउंड जो है धीरे धीरे तेज होता है, तो ये हमारा साउंड हो गया धीरे धीरे, जिस भी हम जैसे भी चाहें आप यहाँ से इफेक्ट डाल सकते हैं। तो इस प्रकार आपका जो साउंड है वो धीरे, पहले धीरे बजेगा फिर
उससे तेज होगा, फिर उससे तेज होगा। इस टाइप से आप यहाँ से साउंड एनवलप का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो मैं इसको ऑन डू कर देता हूँ। उसके बाद हमारा एक ऑप्शन है वॉइस चेंजर का, आप यहाँ से वॉइस चेंज कर सकते हैं। आपका जो साउंड है आप यहाँ से वॉइस को चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी चाहिए आप यहां से वॉइस को चेंज कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीकों से। उसके बाद ऑप्शन से हमारा एक्सट्रैक्ट ऑडियो का, तो आप अपने ऑडियो का जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब कि उस वीडियो का साउंड अपने वीडियो के नीचे डिस्प्ले कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीकों से। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और आप यहां से इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका वॉइस चेंजर का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा इसमें भी। और उसके बाद आप इस साउंड पे क्लिक करके डक और लूप कर सकते हैं, इसको ट्रिम भी कर सकते हैं। अगर आपको साउंड को काटना है तो आप इस पे क्लिक करके ट्रिम और स्प्लिट पे क्लिक कीजिएगा, तो आप यहाँ से ट्रिम टू लेफ्ट, ट्रिम टू राइट करके कर सकते हैं। या स्प्लिट प्ले अहेड पे क्लिक कीजिएगा तो बीच में रहकर आप यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, तो कुछ इस टाइप का आपका निकल के आ जाएगा। तो अभी मैं इसको ऑन डो कर देता हूँ। और इसके बाद आप जो भी वीडियो एडिट किए होंगे वो आपके पास शो हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो में कुछ और एडिटिंग करना है और आपके पास टाइम नहीं है, आप बाद में करें, तो आप सिंपली बैक जाएंगे और काइन मास्टर को आप बंद कर देंगे। फिर बाद में आप काइन मास्टर को ओपन कीजिएगा और आप अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके आप यहाँ पे एडिट के मेनू पे क्लिक कीजिएगा, तो आपका जितना भी काम किए होंगे वो यहाँ पे शो होगा। और इसमें आपको कुछ कम बेस लग रहा है, कुछ और इफेक्ट ऐड करना है, तो आप कुछ ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने वीडियो को सेव करना चाहते हैं, इम्पोर्ट करना चाहते हैं, तो बैक जाके वीडियो पे क्लिक कीजिए और यहाँ से कुछ शेयर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आपका जो वीडियो का क्वालिटी है, रिजोल्यूशन है और फ्रेम रेट जो है आप यहां से चूज करके, और उसके बाद आप यहां से एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका वीडियो जो है एक्सपोर्ट हो जाएगा। एक्सपोर्ट लेने में ये थोड़ा सा आपको टाइम लेगा, 1-2 मिनट, उसके बाद आपका ये वीडियो जो है एक्सपोर्ट क्लियर तरीके से हो जाएगा। देखिए हमारा वीडियो जो है एक्सपोर्ट हो गया है। अब इसको हम प्ले करके आपको दिखाते हैं। देख लीजिए आपका वीडियो जो है कितने अच्छे से प्ले हो रहा है। आप जो भी इसमें इफेक्ट वगैरह ऐड किए हैं तो आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप अपने काइन मास्टर में बिल्कुल आसान तरीकों से एडिटिंग कर सकते हैं वीडियो को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। हमने आपको हर एक ऑप्शन इसका बारीकी से समझाने की कोशिश की हुई है, आप समझ चुके होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके जानने वाले भी वीडियो एडिटिंग करना सीख लें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसा ही वीडियो आपको देखने को दिन प्रतिदिन मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।